हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में VS Code को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने क्रोम को ओपन कर लीजिए। क्रोम ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर सर्च बार में टाइप कीजिए VS Code डाउनलोड। उसके बाद यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड का वेबसाइट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप अपने विंडोज, लिनक्स या फिर मैक के लिए चूज कर सकते हैं। यूज कर रहा हूँ तो सिस्टम इंस्टॉलर ही यूज कीजिएगा। तो मैं फिलहाल 64 बिट का मशीन यूज कर रहा हूँ, तो 64 बिट के लिए डाउनलोड कर ले रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। ये सिंपली ऑल्सो इन फोल्डर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा VS Code का .exe फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक करके इसे रन कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप एस कर दीजिए। यहाँ पर सिंपली आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर टिक लगा कर नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सभी चेक बॉक्स पे टिक लगा के सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, तो सिंपली इस पर टिक करके इसे फिनिश कर दीजिए। मैं इसे ओपन करने का आपको एक नया तरीका बताऊँगा। आपने जब वो बॉक्स चेक किया था वहाँ पर सभी बॉक्स को, उसका ये फायदा है, सिंपली आप जिस भी फोल्डर में ओपन करना चाहते हैं वहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन कोड पे क्लिक कर दीजिए। आपका वो उसी फोल्डर में VS Code ओपन हो जाएगा।